दोस्तों, आज सुबह जो विशाखापट्टनम में गैस लीक ट्रेजडी हुई है, ये बहुत ही दुखद है। ये ट्रेजडी जो है एलजी पॉलीमर्स प्लांट के अंदर हुई है, जिसमें जो है स्टायरीन लीक हो गई और जिसकी वजह से इतने लोगों को प्रॉब्लम आई। ये जो कंपनी है एलजी पॉलीमर प्लांट्स है, ये कंटेनर, कटलरी या फैन ब्लेड बनाने का काम करता है, जो कि पॉलीस्टायरीन से बनाया जाता है। और पॉलीस्टायरीन एक पॉलीमर है जो कि सीडी डीवीडी केसेस बनाने में इस्तेमाल होता है, और एफडीए ने तो अप्रूव किया हुआ है कि पॉलीस्टायरीन से बने हुए जो फूड पैकेजिंग स्टफ्स होते हैं, ट्रेज होती हैं या एग कार्टन्स होते हैं, उसके भी अप्रूवल एफडीए से मिली हुई है। ये जो पॉलीमर पॉलीस्टायरीन पॉलीमर है, ये स्टायरीन मोनोमर से बनता है। जब हम स्टायरीन को पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीस्टायरीन बनती है। जो स्टायरीन मोनोमर है, इसका ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, ईजिली ऑपरेट करता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी स्वीट होती है। इसीलिए ये मेजर प्रॉब्लम आई, क्योंकि स्वीट स्मेल की वजह से, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 145 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टायरीन बेसिकली फ्लेमेबल होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, पर अगर लॉन्ग टर्म इनहेल कर ले इसको, स्टायरीन को, तो क्योंकि स्वीट स्मेल होने की वजह से इंसानों को प्रॉब्लम भी नहीं आती। अगर अच्छी स्मेल ना हो तो इंसान थोड़ा बचाव की कोशिश करता है, मास्क लगाता है या इधर उधर भागता है, जो भी है, अपने आप को कोशिश करता है कि उस जो अनप्लेजेंट गैस है उसके कांटेक्ट से काफ़ी दूर लेके जाए। पर क्योंकि इसकी स्वीट स्मेल होती है और लॉन्ग टर्म इसका जो एक्सपोजर होता है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। इमिडिएटली सांस लेने में दिक्कत आ जाती है ज़्यादा इनहेल करने से, लीवर के ऊपर इफेक्ट डालता है, और ये बोले कि जो टोटल सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, और ज़्यादा एक्सेसिव इफेक्ट आने पे डेथ भी हो जाती है। और यही हुआ कि 10 से ज़्यादा जो डेथ विशाखापट्टनम में हुई, और तकरीबन 60 से ज़्यादा जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड है वो एक्सेसिव इन्हेलेशन की वजह से है। लोगों ने काफ़ी इन्हेल किया और स्वीट स्मेल होने की वजह से लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो क्या इन्हेल कर रहे हैं। तो बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, और इसका जो है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अनट्रेंड लोग लॉकडाउन खुलने के बाद उन लोगों ने प्लांट को स्टार्ट किया और उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था कि स्टायरीन को कैसे हैंडल किया जाता है, क्या उसकी स्मेल होती है, क्या उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि जब भी इस तरह की बात हो, इस तरह के प्लांट के हिस्सों में जो ट्रेंड लोग होते हैं जिनको केमिस्ट्री, साइंस, पॉलीमर्स की नॉलेज हो, उन्हीं को ही अलाउ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।